चीटे मैं हूँ। चीटे तो चीटर, ये क्या है? प्यार संतोष जी के साथ और शादी किसी और के साथ। मोबाइल दे, हमारा मोबाइल दो। क्या करो बिल्लू, अरे हमारा मोबाइल दो, मोबाइल दो, मोबाइल से मजाक रहे, मोबाइल से। अरे ये क्या लोचा क्या है? अरे संतोष जी के साथ यार, शादी किसी और के साथ। तुम परेशान मत करो बिल्लू, हम पहले ही से परेशान हैं यार। अच्छा, माँ ने कसम दे दी इसलिए लड़की देखने जाना पड़ेगा, तुम होके हमारे जख्म पे मसाला मारे जा रहे हो यार। ओ माँ की कसम है, तो निभानी पड़ेगी। मोबाइल दो इधर, सुबह सुबह दम। अबे चीते, अच्छा ये लड़की कौन है? अरे यार फिर से याद दिला दी तुमको, लड़की देखने भी जाना है, टाइम भी हो गया। तो बिल्लू 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 सुनो ना, क्या है ना कि हम लोग के बीच जो बात हुआ है ना, ये हम लोग के बीच ही रहने देना। ध्यान रखना कि ये बात ना संतू जी को और खास करके वो चड्डा के बच्चे को पता ना चल जाए। क्या हुआ? बिल्कुल मत बताना। क्या हुआ बिल्लू? हमारा फायदा नहीं इसमें भी तुम। अच्छा चलो ठीक है, अगले एक हफ्ते तक हमारी तरह से चाय और समोसा मुफ्त है। डन डन, बताना मत प्लीज। हाँ रिक्वेस्ट, चलो हम निकलते हैं। कहीं पे निगाह है, कहीं पे इशारा। चाय अच्छी है? हाँ, तो फिर मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? अरे मिश्रा जी, पहले लड़के और लड़की को बात तो करने दो। हाँ हाँ मिश्रा जी, बात ये है कि लड़के की दूर की बुआ के साथ हमारे पुराने संबंध है, हाँ हमारे की पहचान है। तो उन्होंने कहा कि लड़के के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ के दो, तो हमें फौरन अपनी लता की याद आई, हाँ और सीधा यहाँ पे बुलवा लिया। अपनी लता की जैसी अच्छी लड़की तो हो ही नहीं सकती ना। तो ये लड़की की माँ, नमस्ते। ये है लड़की की चाची, यो। अरे घूंघट निकाला है तो क्या हो गया, मॉडर्न खानदान से है, हैं? यो वो सब चलते रहता है। यहाँ पर स्कूल कौन जाता है? की बहन आशा का है। और ये सब जो ट्रॉफी है वो आशा, इनकी छोटी बहन बड़ी होनहार है। शुक्ला जी, लड़का करता क्या है? जी पुलिस में है हम। चलने का भी क्रैश कोर्स करो। अरे पुष्पा जी, ये देखिए आपने हेडलाइन पढ़ी क्या, SHO हसीना मलिक वर्दी में मसीहा। हाँ हाँ, उनकी फोटो भी छपी है। हाँ। अच्छी लग रही है, इसको काट के ना यहाँ पे नोटिस बोर्ड पे लगा दे, उनको अच्छा लगेगा है ना। हाँ। जल्दी जल्दी, अरे मैडम सर भी आगे, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। कुछ लोग हसीना मैडम की पेपर में छपी फोटो देख के मन में कूढ़ेंगे, शायद जलेंगे भी, अच्छा भी नहीं लगेगा। क्या क्या पुष्पा जी, क्या नहीं कुछ कहा अभी आपने, क्या कह रही हैं आप? हमने? हाँ आप ही। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद, जय हिंद, गुड मॉर्निंग मैडम सर, ये मैंने आपके लिए लगा है। नशा मुक्ति केंद्र, शराब छुड़ाए शराबी को बिना बताए। संतोष शर्मा, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैडम सर, ये आपका बड़प्पन है, सबसे ज्यादा जरूरत ही आपको है इसकी। संतू, मैडम सर आप डिजर्व करती हैं, ये आप ही के लिए है। संतू, संतू सॉरी 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 सॉरी,
आपके लिए। कुछ चलने की बू नहीं आ रही है संतु? नहीं, हमको तो आ रही है। बहुत रिश्ते के लिए पुलिस वाले को ले आ, कहीं पुलिस को अशक पड़ गया तो। अरे मिश्रा जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, लड़की कहीं से भी नाबालिग नहीं लग रही है, और लड़का है ना, वो दहेज नहीं लेने वाला है। लेकिन मेरा कमीशन पक्का। अरे वो तो हो जाएगा। चलो मुंह मीठा करवाओ आप। बोलो बेटा, तुम्हारा क्या कहना है? है कि हम ही शादी नहीं कर सकते। गलत मत समझिएगा, देखिए लड़की में कोई दिक्कत नहीं है, हम तो ठीक से लड़की को देखे भी नहीं है। काहे की दिक्कत हमारी है, हम किसी और से प्यार करते हैं, और जब प्यार किसी और से करते हैं तो शादी किसी और से कैसे कर सकते हैं? तो हमारी बुआ और शुक्ला जी हमको जिद किए, तो इसलिए हम लड़की देखने चले हैं, तो बाकी हमको माफ कर दीजिएगा। हम शुक्ला जी, शुक्ला जी, हमारे तो नसीब ही फूटे हैं, इतने साल हो गए इसकी पढ़ाई का खर्चा उठाते उठाते, अब तो हिम्मत नहीं है इन बूढ़े कंधों में इसका बोझ उठाने की। सोचा था कि बेटी की शादी कर देंगे तो बाप की कुछ जिम्मेदारी कम होगी, पर अब तो इसके कोई आसार नजर नहीं आते शुक्ला जी। अरे चिंता की कोई बात नहीं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अरे ये दुनिया का आखिरी लड़का थोड़ी ना था, हमारे पास बहुत सारे लड़के हैं। आइए मैं दिखाता हूँ, आइए। ये देखिए कैसा है, ये देखिए। ये लड़का कुछ उम्र में ज्यादा बड़ा नहीं लगता? हाँ कुछ बड़ा तो लगता है। अरे क्या लग रहा है यार, लड़के की तस्वीर ठीक से नहीं खींची, बस 19-20 का फर्क है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि लड़का इंजीनियर है, बहुत पैसे कमाता है, अपनी लता को खुश रखेगा। छोटी नहीं लग रही है शादी के हिसाब से? हाँ। अरे अब कहाँ फर्क पड़ता है पुष्पा जी, हम तो ना करके चले आए बस। संतु जी के लिए? अरे यार तो हमारे समोसों का क्या होगा? और किसके लिए हैं? अगर प्रेम संतोष जी से किए हैं तो शादी किसी और से कैसे कर सकते हैं हम? अरे वही तो, तुम संतोष जी को चाहते हो लेकिन संतोष जी तुम्हें चाहती है, ये तो पूछ लो। ये बात है, वरना क्या है, न घर के रहोगे न घाट के, ऐसी उम्र निकल जाएगी, हाथ कोई नहीं आएगी। देखो बिल्लू का है कि हम तुमसे वादा किए थे कि हम तुमको चाय पिलाएंगे और समोसा खिलाएंगे, इसीलिए तुमको बाहर जेल से लेकर आए हैं, अब तुम समोसा खा ली और चाय पी रहे हो, पियो और चुपचाप जेल में चले जाओ। लव गुरु बन करना ज्यादा ज्ञान मत दो यहां पर हमको। चीते जानते रहे, चीते यहां देख रही ना, पुष्पा देख रही ना, बैठ बैठ देख रही ना आप, मतलब अरे सही तो कह रहा है बिल्लू, मजाक मजाक तक बात ठीक है, मगर अगर ये बात शादी तक पहुंचानी है ना, तो संतु के मन में क्या चल रहा है ये तुम्हें जानना जरूरी है ना। हमारी बात सुनो, तुम ना एक गुलदस्ता लो और एक बहुत ही बढ़िया रोमांटिक सी कविता याद करो, उसको ना एक बगीचे में लेके जाओ, तालाब के किनारे दोनों बैठ जाओ। बिल्कुल ही नहीं। अब चुप करो यार, और फिर उसे वो कविता सुनाओ, उसे चांद दिखाओ, घटाएं दिखाओ। नहीं 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 नहीं, घटा है क्या पुष्पा जी, आप भी कौन से ब्लैक एंड व्हाइट वाले जमाने की बात करती रहती हो अपनी। मेरे कहने का मतलब है कि बागीचे में ले जाओ, कविता सुनाओ, चांद दिखाओ, ये सब करते करते ये बेचारे खुद का चांद निकल आएगा। जेडीएस का सामान है, सब कुछ फास्ट होना चाहिए। एक मिनट, सोशल डिस्टेंसिंग। हवलदार भैया हम बताते हैं आपको क्या करना है, चुपचाप बाजार जाइए, गए, और एक हार्ड शेप का गिफ्ट लेकर आइए, हाँ, और एक लाल गुलाब, ढेर सारा चॉकलेट, और मोबाइल पे फर्स्ट क्लास इमरान हाशमी का गाना, रोमांटिक गाना,
अरे नहीं नहीं नहीं, इमरान हाशमी बिल्कुल नहीं चलेगा। इमरान हाशमी के गाने रोमांस कम और सुहागरात की फीलिंग ज्यादा बढ़ाते। बिल्लो, अरे सॉरी पुष्पा जी। ए चीते, तू ना रणबीर ट्राई कर, आजकल बहुत हिट है। अब छोड़ो यार रणबीर वनबीर, रणबीर की तो खुद रणवीर लेके चला गया। एक काम करो चीते जी, शाहरुख खान को ट्राई करो। क्या है कि लोग कहते हैं रोमांस के देवता हैं, तो उनकी तरह मतलब ऐसे हाथ फैलाओ, देखो इनने फैलाई ऐसे करो। ये इसको नहीं जमेगा, नहीं होगा। अरे ये शाहरुख खान की तरह हाथ फैलाएगा और कोई भीख देकर चला जाएगा। देख रही है ना पुष्पा जी, एक ही तरीका है, एक ही तरीका है पुष्पा जी। ऐसे पिस्तौल संतोष जी के सर पे लगाओ और मंदिर लेके जाओ और वहाँ पे शादी। तुम किसी की बात मत सुनना, अपनी संतु जो है ना वो कराटे जानती है, कराटे। हाँ, एकदम ब्रूसली की बहन है वो। मंदिर छोड़ो, हॉस्पिटल पहुँचाएगी वो। वही तो देखना चाहते है। पुष्पा जी, हम क्या कह रहे हैं कि आप ना इसे वाया वाया पता करने का कोशिश कीजिए ना, कि मतलब संतु जी के मन में हमारे लिए क्या फीलिंग है, मतलब उनके मन में भी क्या वही फीलिंग है जो हमारे मन में संतु जी के लिए फीलिंग है। अगर ऐसा रहा तो हम फ्रंट पे जाके उनको आई लव यू बोल देंगे। आज हमने यहाँ पे आपको बहुत जरूरी बात करने के लिए बुलाया। हमारी नजर में कुछ ऐसे केसेस हैं जिन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। करिश्मा सिंह, आपने ऐसे केसेस की लिस्ट बना ली? जी मैडम सर, लिस्ट बनाया है हमने। कुछ केसेस ऐसे हैं जो रजिस्टर नहीं होते पर उतने ही गंभीर और संगीन होते हैं जितने की रजिस्टर होने वाले केसेस, जैसे कि घरेलू हिंसा, नाबालिग विवाह, बाल मजदूरी। संतु, तुमको इस केस पर रिपोर्ट बनाने को कहा था ना हमने, तुमने बनाया? जी मैडम। दिखाओ। मैडम सर, ये कुछ नाबालिग लड़कियां हैं जिनकी शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। अभी जिसकी आप लैपटॉप में फोटो देख रहे हैं, ये लड़की के 4 बच्चे हैं। सॉरी, ये नहीं, कम उम्र में मां बनने के कारण इन लड़कियों के शरीर में बहुत सारी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी, जिसकी वजह से कई लड़कियों की जान भी चली गई। एक सर्वे के मुताबिक हर साल देश के अलग अलग हिस्सों में लगभग 15 लाख लड़कियां इस कुरीति का शिकार हो रही है। ना कोई इन्हें रोकने वाला और ना ही कोई इन्हें बचाने वाला। धिक्कार ऐसे माँ बाप पर। ऐसे माँ बाप होते हैं क्या जो छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों की शादी कर देते हैं? हक नहीं है ऐसे माँ बाप को माँ बाप कहलाने का। हमको मिलेंगे ना तो ऐसा मार लगाएंगे कि अपनी छोटी छोटी नाबालिग बच्चों की शादी करने से पहले 100 बार सोचेंगे। शांत हो जाइए करिश्मा सिंह। शांत हो जाए मैडम सर, इन सब मामलों का सुनकर हम कैसे शांत हो सकते हैं, आप हमें ये बताइए। देखिए, आपको जितना बुरा लग रहा है हमें भी उतना ही बुरा लग रहा है, लेकिन गुस्से से इस मसले का कोई हल नहीं निकलेगा। तो फिर क्या हल है आपके हिसाब से? समस्या सिर्फ माँ बाप की नहीं है, समस्या है उनकी सोच की। जिम्मेदार है उनमें शिक्षा का अभाव, वो अनपढ़ सोच, जिसके हिसाब से लड़की एक बोझ है, उसकी पढ़ाई समस्या और समस्या का समाधान शादी। उन्हें समझाना बहुत जरूरी है कि एजुकेशन समस्या नहीं है, एजुकेशन इन सारी समस्याओं का हल है। वाह, बहुत बढ़िया मैडम सर। सरकार भी आजादी के बाद यही बात कह रहे हैं, अखबारों में, गली नुक्कड़ में, हर जगह एक ही बात छाप रहा है कि बेटी पढ़ाओ और देश बचाओ, लेकिन आज तक किसी ने माना क्या? लगता आपने वो कहावत नहीं सुना है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हम जानते हैं करिश्मा सिंह की आसान नहीं है, इतने सालों पुरानी इस दकियानूसी सोच को बदलने में वक्त लगेगा, लेकिन कभी ना कभी किसी ना किसी को शुरुआत तो करनी होगी ना। हाँ तो करते हैं ना शुरुआत मैडम सर, खोजेंगे उन सभी लोगों को जो नाबालिग बच्चियों का शादी कराते हैं, पैसों के लिए ये घटिया धंधा करते हैं। उन सभी को मैसेज भेजेंगे कि अगर दोबारा ऐसा गंदा हरकत किया उन्होंने तो पुलिस उनका पीछा जन्म तक नहीं छोड़ेगी। डर मैडम सर, डर बहुत कमाल का चीज है ये डर। इस डर के आगे ना जिन और पीर भी नाचते हैं। करिश्मा सिंह, हमारे हिसाब से आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो सही समाधान नहीं है। आपकी बातें सुन के ना मैडम सर, हमारा यहाँ से जाने का मन और भी पक्का हो गया है, क्योंकि यहाँ कुछ सुधरने वाला नहीं है। सुधरेगा,
बहुत कुछ सुधरेगा और उसकी शुरुआत करेंगी आप। आज से लेकर जब तक ये केस खत्म नहीं होता, आप हर वक्त हर पल हमारे साथ रहेंगी और हमें ऑब्जर्व करेंगी। फिलहाल जाइए और गाड़ी निकालिए, आप हमारे साथ बीट पर चल रहे हैं। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम मैडम सर। क्या करूं क्या करूं क्या करूं, अंदर जाना चाहिए या नहीं, पुलिस की मदद लेनी चाहिए या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। चल चल, हमें तुमसे बात करनी है। क्या बात करनी है? अबे चलो तो, चलो। आजा बैठ। बोलो पुष्पा जी, क्या जरूरी बात करनी है? एक बात बताओ हमको, एक इंसान कब तक अकेला रह सकता है? जब तक बाथरूम में है। जीवन में जड़ बुद्धि, जीवन में हर इंसान को किसी के साथ की जरूरत होती है। एक ऐसा साथी जो सुख दुख में साथ दे, एक ऐसा साथी जिसके साथ सब कुछ साझा हो। अगर ऐसा कोई मिले तो शादी कर लेने में क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है, फौरन कर लेनी चाहिए, इसमें सोचना क्या है? है ना? हाँ। ये आपके नजर में है ना? कौन? बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत सुशील भी है, और पता है बहुत अच्छे परिवार से भी है। कौन? पगली, तू तो अच्छे से जानती भी है उसे। मैं जानती हूँ पुष्पा जी, कौन? अपना चीता। चीता? थोड़ा छोटा नहीं है? कहाँ? हाँ, इतना लंबा तो है। अरे पुष्पा जी, मेरा मतलब ये नहीं था। अरे वो छोड़ो, जोड़ी अच्छी लगनी चाहिए। तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना? मुझे क्या एतराज होगा? आप अपने वो लल्ला और भोकाल बहू से पूछिए। उनसे क्यों पूछो, उनका क्या लेना देना इस सब से? लेना देना तो नहीं, आपकी जिंदगी का सवाल है, आप ही डिसाइड करेंगे क्या सही है क्या गलत। अरे पगली, ये हमारी जिंदगी का सवाल कैसे हुआ? ये तो तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। पुष्पा जी, मेरी जिंदगी का सवाल कैसे हुआ? शादी आपको करनी है ना, आपकी जिंदगी का सवाल हुआ है ना। पगला गई हो तुम, हम कैसे शादी कर सकते? और ये ऐसे सोचा भी कैसे तुमने, और वो भी चीते के साथ? हमारी नहीं, तुम्हारी शादी की बात कर रहे थे। मेरी शादी की बात? तो और नहीं तो क्या? तू बताना तो चाहिए ना, सीधा बुला के शुरू हो गई, कंफ्यूजन तो होगा। अच्छा अच्छा ठीक है, तो अब बात छेड़ ही दी है हमने, तो अब बताओ ना तुम्हारा जवाब क्या है, हाँ या ना? पता नहीं। ए, बस है, हो गई तसल्ली तुमको? अरे दोस्त मानती हमको वो बिल्ले, दोस्त मानती है। अरे क्या बताएं यार इकबाल तुमको, इस पापी बिल्ले के चक्कर में पड़ के अगर हमने संतु जी को आई लव यू बोल दिया होता ना, तो लड़की तो हाथ से जाती ही जाती, दोस्ती भी खत्म हो जाती। तुम बैठो बैठो। अरे बैठो, फुल, बैठो, फुल, बैठो, फुल, बैठो। अरे उसको खुद को पता नहीं है कि वो तुमसे प्यार करती है। कैसा है प्यार और फुंसी, पहले दुनिया को दिखाई देता है, बाद में खुद को पता चल जाता है। और इसमें टोटल तुम्हारी गलती है। मेरी गलती? हाँ तुम्हारी गलती है। जब देखो संतोष जी के आगे पीछे भौरे की तरह मंडराते रहते हो। अरे जो चीज
हर टाइम अवेलेबल हो और वो भी ओल्ड होज में, तो कौन कदर करेगा उसकी। तो क्या करें हम बिल्लू, मतलब संतू जी को इम्प्रेस। बिल्लू कैसा है, संतू जी के नजर में तुम्हारी वैल्यू कुछ नहीं है। उनको लगता है कि तुम उनको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। उनको लगना चाहिए कि तुम उनको छोड़ के जा सकते हो। फिर उनको एहसास होगा कि ये दोस्ती नहीं, प्यार है, प्यार। यकीन नहीं आता डेमो दे दू। संतोष जी इधर ही आ रहे हैं, मैं जैसे कहता हूँ हाँ में हाँ मिलाना बस। किसमें क्या मिला है? अबे हाँ में हाँ मिला। संतोष जी आइए बैठिए। बन्ना में एक चाय बोल। जीते हमने सुना है आज तुम अपने गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे गए थे। कैसी रही डेट? अच्छी नहीं, अच्छी थी बहुत। चीते तेरी गर्लफ्रेंड भी है, तूने कभी नहीं बताया मुझे। संतोष जी ये दोनों शादी करने वाले हैं। शादी? और तो और इन दोनों का हनीमून का प्लान भी बन चुका है। ज्यादा नहीं हो रहा है तुम्हारा? चीते तू नहीं जानता, तूने तो एक सेकंड में मेरी पूरी टेंशन दूर कर दी। कैसे? चीते पुष्पा जी है ना, पता नहीं बैठे बैठे इनके दिमाग में क्या चलता रहता है। वो तेरी और मेरी शादी की बात मुझसे कर रही थी। मैं तो घबरा गई कि तू मेरे बारे में ऐसा सब सोचता है। बट थैंक गॉड तू किसी और से प्यार करता है, उसी से शादी कर रहा है, हम बेस्ट बडीज रहेंगे। वैसे है कौन जिससे तू शादी कर रहा है? अरे हम मिलवाते हैं ना, ये देखो ये है इनकी होने वाली धर्म पत्नी। संतू जी जलस जलस विकास औतन का फोटो लेके निकल गई। चुपना चुपना बिल्ले। संतू जी आप अचानक से इससे बाहर से भाग के आ गए, क्या हो गया, सब ठीक तो है ना? ये तो नाबालिग है, चीता नाबालिग लड़की से शादी कर रहा है। संतू जी आप अचानक से इससे बाहर से भाग के आ गए, क्या हो गया, सब ठीक तो है ना? तुझे इससे शादी करेगा तू? हाँ 15 साल की है ये, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती, तू इससे शादी करेगा? देख अरे संतू जी इसे देख। चीते क्या कर रहा है तू? मैडम इतना टोपा आदमी हो गया तुम्हारी। करिश्मा सिंह रुकिए, आप क्या कर रही है, छोड़िए उसे। मैडम सर, करिश्मा सिंह रुक। सॉरी तुमको नहीं मार रहे थे, और तुम हम जगह जगह घूम रहे हैं सोच रहे हैं कि ये सब खत्म कैसे करें, और तुम खुद ही एक नाबालिग लड़की से शादी कर रहे हो। तुमने एक बार भी नहीं सोचा हमें पता चलेगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा। अरे मैडम मैडम मैडम, अरे हम सचमुच में शादी करने थोड़ी गए थे वहाँ पर। तो फिर झूठ 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 बोल रहे। मुझे शादी करने जा रहा था, हमको बता के चला गया। अरे मैडम हमारी माँ हमको कसम दी, इसलिए हम वहाँ पर लड़की देखने गए थे। वहाँ पर जाकर हमको पहले ही से सब कुछ अजीब लग रहा था। वहाँ पर स्कूल ड्रेस देखकर हम पूछे भी किसका स्कूल ड्रेस है। क्या? फिर भी तुमको नहीं समझा कि वो नाबालिग है? अरे उसके माँ बाप बोल रहे थे तो हम मान लिए। और तुमने विश्वास कर लिए? मैडम 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 हम सचमुच में वहाँ पर प्यार थोड़ी करते हैं कि वो लड़की शादी कर लेंगे। और अब ये बात तो जग जाहिर है, जमाना जानता है, पूरा संसार को मालूम है कि हम कब का अपना दिल किसी और को दे चुके सनम। हाँ झूठे, मैं कसम से दे दिया। अरे भक्त तूने खुद मुझे बोला था तू लड़की से शादी करेगा। अरे जलस जलस सब इसका सब यही है ना, सारे फसाद की जड़ यही है मैडम। यही हमको बोला कि जाकर तुम ऐसी ऐसी बात संतू जी को बोलो तो उनको वो वाली
फीलिंग आएगी। जलस जलस। क्या? क्या? भलाई का तो जमान ही नहीं रहा। चीता, तुमने भले ही उस लड़की को मना कर दिया है, लेकिन अगर उसके माँ बाप ने ठान ली है तो वो कुछ भी हो जाए उस बच्ची की शादी करवा के रहेंगे, फिर चाहे तुमसे करवाएं या किसी और से। इनफैक्ट हो सकता है कि फिलहाल वो उसकी शादी की तैयारी कर रहे हो, इससे पहले कि उसके माँ बाप उसकी शादी करवा दें, हमें उन्हें रोकना होगा। शुक्ला जी, हाँ, तो हम ये रिश्ता पक्का समझे? अरे मिश्रा जी, आप क्या कर रहे हैं? दो इमरती, तीन जिलेबी, 10 पेड़े और 15 बर्फी खाने के बाद भी आप ये पूछे कि समझे कि नहीं समझे? क्या डायबिटीज करवाओगे क्या? ठीक है, आपकी तसल्ली के लिए लड़के से ही पूछ लेता हूँ, आप इस लड़की के साथ शादी करने के लिए तैयार हैं? हम तो कब से रेडी बैठे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो आपको चाचा जी, मिश्रा जी, बहुत बहुत बधाई है ना, मुबारक हो, अब मेरा कमीशन पक्का है। वाह प्रभु वाह। एक कदम भी आगे बढ़ा मेरा मरा मुंह देखेगी लता, भगवान कसम, गले में फंदा डालकर आखिरी बार कह रहा हूं बेटा, चुपचाप जहां हम कहते वहां शादी कर ले। तू क्यों नहीं समझती, मेरी जितनी औकात थी मैंने उससे ज्यादा तुझे पढ़ाया, थोड़े से पैसे जोड़ रहा हूं तेरी छोटी बहन के शादी के खर्चे के लिए, मेरे जिंदा रहते तुम दोनों बहनों की शादी हो जाए तो समझो मेरा जीवन धन्य हो गया, मान जा बेटा। चीता चतुर्वेदी, तुम लेकर चलोगे हमें लता के घर। कहाँ है उसका घर, कहाँ रहती है, क्या एड्रेस है? जी मैडम सर, लेकिन उसका एड्रेस भूल गए हैं, हमको नहीं पता है मैडम सर। क्या? हाँ हाँ मैडम सर, क्या है ना कि उसका घर नया नगर में है, और आप तो जानती हैं कि नया नगर कितना घीचर पिचर है, मतलब एकदम चाइनीज नूडल के जैसा, इसे एक दूसरे के अंदर चढ़ा हुआ, मकड़ी के जाले के जैसा फैला हुआ, एक गली में घुसो तो 1000 गलियां खुल जाती हैं। जाते समय तो सबको याद रहता है कि गली में जा रहे हैं, पर निकलते समय किसी के बाबूजी को याद नहीं रहता कौन से गली से निकलना है, इसलिए उसका एड्रेस भूल गए मैडम सर, सॉरी। कोई नंबर वंबर किसी का कुछ तो होगा? बिचौलिए का नंबर है, वो भी हमारे बुआ जी के पास है, वही तो लेकर गया था हम लोग को लता के घर पे। एक काम करेगा चीते, हुक्म तो दीजिए संतोष जी, अपनी बुआ को फोन लगाओ, बुआ से बिचौलिए का नंबर लो और बिचौलिए से लता के घर का एड्रेस पूछो अभी। बुआ नहीं है। ओह आई एम सो सॉरी मैडम सर, संतोष जी वैसे बुआ है, लेकिन क्या है ना कि हमारी बुआ जी कल ही मान सरोवर के यात्रा पे निकली हैं, हमारी बुआ जी ठहरी बहुत सीधी सादी औरत, तो उनके पास फोन नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग को ट्रेवल एजेंसी को फोन करना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा बुआ जी कहाँ पे हैं, बुआ जी का एड्रेस लेना पड़ेगा, उसके बाद से बुआ जी के पास जाना पड़ेगा, बुआ जी से फिर पूछना पड़ेगा बिचौलिए का फोन नंबर क्या है, बिचौलिए से लता का एड्रेस लेंगे तो पता करना पड़ेगा लता। सुन नजर, आपने दिमाग पे जोर डालना और याद करने की कोशिश कर कि वो लता का पता क्या है। दे रहे हैं, बहुत जोर दे रहे हैं, लेकिन क्या करें हमको याद ही नहीं आ रहा है। संतोष शर्मा, वो बाहर जो आर्टिकल लगा हुआ है वो लेकर आइए, उसमें कोचिंग क्लासेस का नाम है, उसी से पता चलेगा लता के घर का एड्रेस, लाइए। वाओ मैडम सर, यू आर जीनियस टू। जाइए जाइए, पहले लेकर अभी लेकर आती हूँ। करिश्मा सिंह का है? अरे हाँ, यही तो खड़ी थी वो। मैडम सर प्रॉब्लम है, मैंने जहाँ पेपर लगाया था वहाँ पे पेपर है ही नहीं। ले गई करिश्मा मैडम, ले गई। फोन लगाइए, तुरंत करिश्मा सिंह का फोन लगाइए और पूछिए जहां कहीं भी ये सब छोड़ छाड़ कर वापस आए। मैडम से फोन नहीं उठा रही करिश्मा मैडम। फिर से करिए, करते रहिए, ऐसे कैसे नहीं उठाएंगी। शर्मा जी, हमारे कोचिंग सेंटर के बच्चे कभी फेल नहीं होते, समझे आप। ए राहुल, कोचिंग क्लास। एक मिनट, मिनट जी मैडम। इसको, इसको जानते हो? जी मैम। कहाँ रहती है ये? आगे से राइट ले लीजिए आप, आपको ही मिल जाएगी कोने पे। पक्का? पक्का। ठीक है, धन्यवाद। ये तय हो गया कि दोनों पक्ष की हाँ है शादी के लिए,
एक काम करते हैं, फटाफट पंडित जी को बुला लेते, खुशखबरी सुना देते और अच्छा सा मुहूर्त निकलवाते। हाँ हाँ क्यों नहीं। क्या बात है, बच्ची का ब्याह रचा रहे हो और हमको बुलाना भूल गए। वैसे हमारी याददाश्त कमजोर ना हो तो तुम वही वकील हो ना, सेशन कोर्ट के, जिसने पिछले साल डोमेस्टिक वायलेंस में एक लड़के को बेल पर छुड़ाया था। क्या नाम है तुम्हारा? प्यार से लोग मुझे शुक्ला जी कहते हैं। हाँ तो शुक्ला जी, वकील हो ना तुम, एक नाबालिग बच्ची का ब्याह हो रहा है तो ये नहीं बता पा रहे हो कि ये गैर कानूनी है? अरे क्या बात करती है मैडम, अरे वकीली के साथ साथ अगर हम कोई और भी काम करें तो इसमें कोई कानूनन धारा नहीं टूटती। आप कहे तो आपके लिए भी बाकर नौजवान ढूंढ ले। अम्मा तुम्हारी मैया की गंगा मैया, ज्यादा ना ओवर स्मार्टनेस जानने का जरूरत नहीं है हमारे सामने, वरना वरना तुम्हारी सारी ये धारा है ना, ये धरी की धरी रह जाएगी और मुंह से एक कोई बात निकलेगी। दरोगा जी देखे तो बहुत पर तुम सा ना देखा, नाबालिग बच्चों का ब्याह कराते हो टोपा कह के। मैडम जी ये गलत है, इस तरह आप जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी घर में घुस के। तुम कौन हो बे? अरे यही तो लड़का है जिसके साथ लड़की की शादी होने वाली है। अम्मा तुम आदमी हो या ढोर ढंगर, तुम्हें दिखाई नहीं देता है वो बच्ची नाबालिग है? मैडम प्लीज होने दीना शादी मेरी, और वैसे भी किसने कहा ये नाबालिग नहीं है मैडम। हाँ बिल्कुल नाबालिग नहीं है, बालिग है, इनके माता पिता की मर्जी से ही ये शादी हो रही है। ये देखिए, ये इनके पिताजी है, ये माता जी है, ये चाचा चाची जी है, और आप चाहे तो लड़की के स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट देख सकते। मैं भाग, 50-50 रुपए में बिकते हैं ये सर्टिफिकेट और डिग्री, हमको दिखा रहे हो तुम? तुम हटो, इसको देख के हम बोल सकते हैं कि ये 10वीं कक्षा में पढ़ रही है, तुमको नहीं दिखाई दे रहा है? अरे तो उसकी वजह भी वो खुद ही है, अगर एक ही कक्षा में 3-3 साल निकालेगी तो 10वीं में ही रहेगी ना। अरे उनके पिताजी से पूछ लीजिए, आप आइए और बताइए। अरे बताइए, हमने गुनाह थोड़ी ना किया है। हाँ हाँ। अरे क्या हाँ हाँ, खुलकर बताओ। वो बालिग है और हम उसके माँ बाप है, हम अपनी मर्जी से उसकी शादी करा रहे हैं, आप बीच में बोलने वाली कौन है? भाग, ज्यादा नौटंकी करने का जरूरत नहीं है हमारे सामने, हम अच्छी तरह से समझे कि तुम दोनों मिलके ये चाल खेल रहे हो और जबरदस्ती इसका शादी करवा रहे हो जबकि ये नाबालिग है। और तुम चल, माँ बाप कहलाने के लायक छोड़िए ही नहीं, क्या कर रहे हैं आप? ये मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं हो रही है, मैं ये शादी अपने खुद की मर्जी से कर रही हूँ, मैं 18+ हूँ और मैं पूरी तरह से बालिग हूँ, मैं खुद के डिसीजन खुद ले सकती हूँ। देखो लता, हम जानते हैं कि ये जो तुम कर रही हो ना, किसके दबाव में कर रही हो, तुम बिल्कुल मत डरो, हम हैं तुम्हारे साथ, हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम बस, तुम ये सब नहीं चाहिए मुझे किसी की मदद, छोड़ दीजिए मुझे अकेला, चले जाइए यहाँ से। देखो हम, अगर आप अभी इसी वक्त ऐसे नहीं गए तो मुझे मजबूरन आपके अगेंस्ट कंप्लेन करनी होगी, सो प्लीज चले जाए यहाँ से। क्या है संतु? करिश्मा मैडम अब जहां कहीं भी है, मैडम सर ने आपको फौरन थाना बुलाया। था आ रहे हम। आ रही है वो। बाय। जब से हमारी जिंदगी में आई है ना, सुकून के दो पल तक हमें नसीब नहीं हुए। घर में बहू हो तो बवाल, यहाँ सीनियर हो तो बवाल, अब हमेशा ना डर लगा रहता है कि पता नहीं अब नया कौन सा बवाल खड़ा कर देगी। अब गई है ना बाहर, जरूर कुछ ना कुछ करके आएंगी वो। पुष्पा जी हॉस्पिटल चलते हैं, करिश्मा मैडम जब भी किसी को तोड़ती है ना हॉस्पिटल जरूर पहुंचाती है। अब कहाँ अस्पताल घूमते फिरेंगे, लता के घर चलते हैं, चलो। नहीं 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 पुष्पा जी, मैं कह रही हूँ ना हॉस्पिटल ठीक रहेगा, हॉस्पिटल चलते हैं। हम हमारी बहू रानी को बहुत अच्छे से जानते हैं। बस कीजिए आप लोग, जब देखो तब कोई ना कोई किसी ना किसी से बहस ही करता रहता है, कभी कोई मुद्दे की बात करेगा। जैन मैडम सर आ गई आप?
क्या है? कहाँ गई थी आप? बताकर नहीं जा सकती थी? हसीना मैडम थी ना यहाँ? ऐसे कैसे बिना किसी ऑर्डर के आप कहीं भी जा सकती हैं? थाने के कोई कायदे कानून है कि नहीं? करिश्मा मैडम, अभी जिन्हें आप तोड़ कर आई है वो कहाँ है? इस बार हॉस्पिटल में या डायरेक्ट शमशान? संतु, हमने इतना परेशान आपको आज से पहले कभी नहीं देखा। कुछ तो हुआ है। कोई जबरदस्ती नहीं हो रही है मेरे साथ। मैं ये शादी अपने मर्जी से कर रही हूँ। मैं 18 प्लस हूँ और मैं पूरी तरह से बालिग हूँ। मैं खुद की डिसीजंस खुद ले सकती हूँ। हे भगवान, लड़ो और लड़ो। और किसके लिए लड़ रहे हो? वो लड़की खुद कह रही है कि मैं बालिग हूँ। हो सकता है ना पुष्पा जी वो सच बोल रही हो। हो सकता है वो बालिग हो। अरे मगर वो 10वीं कक्षा में पढ़ती है। पुष्पा जी 3 साल फेल भी हुई है वो। नामुमकिन और निहायत ही बेदलील। करिश्मा सिंह, वो आर्टिकल दीजिए। ये रहा सबूत। 10वीं कक्षा के टॉपर्स के साथ छपी हुई लता की ये फोटो। ये इस बात को साबित करता है कि ये बच्ची नाबालिग है। नाबालिग है मैडम सर। नाबालिग है इसलिए हम उसका मदद करने गए थे। लेकिन जो खुद का ही मदद नहीं करना चाहता अब उसका कोई क्या मदद करेगा। मदद तो इसे चाहिए। हो सकता है कोई मजबूरी हो। ये बच्ची नाबालिग है इस बात का हमें सबूत इकट्ठा करना होगा। इसका ध्यान भी उन्होंने बहुत अच्छे से रखा है मैडम सर। ये चीता जिस बिचौलिए की बात कर रहा था वो शुक्ला उस सेशन कोर्ट का वकील है और एज का सारा सबूत वो ही इकट्ठा करके रखता है। फिर तो एक ही रास्ता बचा है हमारे पास, लड़की का कन्फेशन। अगर वो ये कह दे कि उसके साथ ये सब जबरदस्ती हुआ है तभी हम ऑफिशियली कुछ कर पाएंगे। पर कैसे मैडम सर, अगर तब तक लता के घर वालों ने उसकी शादी करा दी तो रुकवा देते हैं शादी। कैसे? एक आइडिया है हमारे दिमाग में लेकिन उसके लिए हमें किसी की जरूरत है। किसकी? अरे चलो चलो चलो, बैठे क्यों? हमें निकलना है ना। पर औरतें तो तैयार हो रही हैं। अरे औरतों को बोलो कि वहाँ जाकर तैयार होना है, यहाँ पे नहीं। पंडित जी का फोन आ गया था कि 15 मिनट में वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं, हमें भी वहाँ पे पहुँचना है 15 मिनट में। अरे वाह भाई साहब, बुलाओ बुलाओ। हाँ चलो चलो जल्दी बुला। चलो चलिए चलिए, जल्दी तैयार हो जाओ। हेलो हेलो हेलो। हाँ प्रणाम शुक्ला जी, हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम बोल रहे हैं। हम मतलब शुक्ला जी, तो वहाँ पे हम मतलब कौन? अरे हम चीता चतुर्वेदी बोल रहे, शकुंतला जी के बेटे, याद है? हाँ हाँ, चीता चतुर्वेदी। चीता मतलब वही ना जो कल धूम दबाकर भाग गया था। नाराज है क्या अभी तक? हाँ तो क्या नागिन डांस करूँ है तुम्हारे लिए? अरे शुक्ला जी, अभी तक वही बात लेकर बैठे हुए हैं आप। अरे बच्चे हैं, हो गई गलती, माफ कीजिए। क्या है ना कि कल रात में हमने बहुत सोचा। सोचा? अच्छी बात है, सेहत के लिए सोचना अच्छी बात है। लेकिन हमें काहे बता रहे हो? अरे लड़की के बारे में सोचा शुक्ला जी। और फिर उसके बाद से हमको ऐसा लगा कि हमारी जिंदगी में लता से बढ़िया सुंदर सुसज्जित सुशील लड़की जो है वो मिलेगी नहीं। हाँ तो पूछिए लड़की वालों से किस दिन बारात लेकर आए हम। नहीं नहीं, अब कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि लड़की का रिश्ता कहीं और तय हो गया है। क्या 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 क्या, क्या, क्या? मतलब 15 मिनट के अंदर हम लोग मंदिर जाने के लिए निकल रहे हैं शादी के लिए। फोन रखो तो सुनिए तो। सुनिए, गुस्सा बहुत जल्दी जाते हैं आप। सुनिए तो हमारा बात तो सुनिए। क्या? ए, अब सब कुछ आपके हाथ में है प्रभु, त्रिकाल मई है आप। आप चाहेंगे तो कहा नहीं हो सकता है, करवाइए कैसे भी करके शादी। अरे नहीं नहीं, हमसे अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि हमने कमीशन ले लिए है। तुम रखो फोन। पॉज कर है? क्या? अरे पैसे पैसे कितने मिले हैं आपको कमीशन में वो तो बताइए। तुम्हें क्या मतलब? 100 रुपए ज्यादा ले लीजिएगा। हाँ? दो 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 गुना।
दो गुना ले लीजिएगा हमसे। क्या बात कर रहे हो तुम? अच्छा तीन गुना ले लीजिएगा। खुश? अरे दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। 1000 रुपए कौन दे रहा है आपको? हाँ 1000 रुपए कौन दे? 1 लाख हमको नहीं करना है। 1 लाख रुपए ले लीजिए आप हमसे। हमको नहीं करना है। हाँ शुक्ला जी हमको नहीं करना है। हम नहीं करेंगे। ये भी मारेंगे। हाँ शुक्ला जी हम 50000 रुपया कैसे देंगे एडवांस? और नहीं करेंगे। शुक्ला को खरीदना चाहते हो? अरे शुक्ला जी हेलो। अरे जवाब तो दो। हेलो 1.5 लाख रुपए बिकाऊ नहीं है शुक्ला। कसम से नहीं करें। हेलो 2 लाख शुक्ला का ईमान इतना सस्ता नहीं है। 2.5 लाख रुपए शुक्ला जी। 2,75,555 रुपए फाइनल डील। ठीक है लेकिन हमारी भी एक शर्त है। शादी कल ही होगी। बोलो तैयार हो? कल मंजूर है। ठीक है तो कल 10:30 बजे आप रंग महल हवेली पहुंच जाइएगा। क्या शुक्ला जी आप रंग हवेली शौक चढ़ रहे हैं आपके? मतलब खर्चा बहुत हो गया है ना शुक्ला जी, समझिए बात तो। कहीं किसी मंदिर उंदिर देख के बढ़िया से शादी उदी कर लेते हैं। अरे नहीं नहीं आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वहाँ की जो सारी अरेंजमेंट है ना वो क्लाइंट ने की है। आपको तो सिर्फ आना है। और सुनो कम लोग ही आइएगा क्योंकि क्या है कि कोरोना काल चल रहा है ना, तो ज्यादा लोग आएंगे तो सब ठीक नहीं होगा, सब कैंसिल हो जाएगा। उसके लिए निश्चिंत रहिए हम नहीं लाएंगे। तो ठीक 10:30 बजे वहाँ पे आप पहुँच जाइएगा क्योंकि इसी मंडप में कई दूसरे और शादियाँ करवानी है। ठीक है तो समय पे पहुँच जाना वरना आप लटक जाओगे। ठीक है शुक्ला जी हम टाइम पर पहुंच जाएंगे। आप क्या कह रहे थे शुक्ला जी? आलोक से रिश्ता तोड़ करके उस पुलिस वाले से शादी कर दे अपनी बेटी की? पर क्यों? क्योंकि अंदर से रिपोर्ट मिली है कि वो जो आलोक है ना वो ठीक लड़का नहीं है। शहर शहर जाकर नाबालिग लड़कियों के साथ शादी करता है और विदेश जाकर उसे बेच देता है। इसीलिए तो ये रिश्ता मैं तुड़वा रहा हूँ वो बूढ़े के साथ। पर पुलिस वाला क्यों? तो पुलिस वाला है तो अच्छी बात है ना, कुछ भी लफड़ा हुआ तो वो संभालेगा। मुझ पर भरोसा है ना। भगवान जितना। हाँ तो बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं सब देख लूंगा। अरे जो भी काम कर रहा हूँ मैं वो लड़की की भलाई के लिए कर रहा हूँ। अब तो कल ही होगी शादी। तो अब आगे क्या प्लान है मैडम सर? इस सब में सबसे इम्पोर्टेंट रोल है चीता का, वही निकलवाएगा लता का कन्फेशन। पर मैडम सर लता हमको कहाँ कन्फेशन देगी? क्यों नहीं देगी? अगर हम सब कोशिश करेंगे तो ऑफकोर्स देगी। वैसे भी तुम्हारी शादी में हम सब भी चलने वाले हैं। हम भी जाएंगे शादी में मैडम सर? चीता के रिश्तेदार बनकर। पुष्पा जी बन जाएंगी चीता की अम्मी, संतोष बनेगी छोटी बहन और बिल्लू बनेंगे चीता के पापा। हम बन जाएंगे बुआ या तो बड़ी बहन। बुआ? बड़ी बहन? मैडम सर आपको कौन से एंगल से लग रहा है कि संतु जी हमारी बहन बन सकती है? वो तो इतनी देखिए वहां से मना भी कर रही है कि नहीं बनेंगी वो बहन। मजाक चल रहा है यहाँ पर चीता, ये बहुत सीरियस मैटर है इसलिए जो कह रहे चुपचाप करो। मैडम सर कोई फायदा नहीं है, 2 मिनट में पकड़े जाएंगे। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा है तू? नहीं आप सबका तो ठीक है लेकिन आपने कभी देखा है इतने बड़े दूल्हे का इतना यंग बाप? कौन से एंगल से मैं इसका बाप लगता हूँ? छोटे भाई तक तो ठीक है विलो, लेकिन बेटी के उम्र का बाप कौन मानेगा? चुप। मैडम सर आप इन्हें तो छोड़िए, आप ये बताइए कि करिश्मा मैडम क्या बनेंगी? नहीं नहीं हम कुछ नहीं बनेंगे, हमें ये सब नौटंकी अच्छा नहीं लगता और हमें ये बचकानी चोचले बाजी से थोड़ा दूर रखिए। कोई बात नहीं करिश्मा सिंह, आपको वैसे भी ये बचकाने चोचले नहीं करने पड़ेंगे, हम आपको इस प्लान में इंक्लूड नहीं कर सकते। आपने लता के घर वालों को अपनी शक्ल दिखा दी है। बहुत बढ़िया, हमें आज्ञा दीजिए। कहाँ जा रही हैं आप? अपने तरीके से हैंडल कीजिए मैडम सर, हम अपने तरीके से हैंडल करेंगे, मंजिल दोनों की एक ही है। हाँ लेकिन इतना भरोसा रखिएगा कि हम जो भी करेंगे उस बच्ची के भले के लिए करेंगे। नहीं नहीं मैडम सर इन्हें कहीं मत जाने दीजिएगा,
बाहर जाएंगी ना फिर नया बखेड़ा खड़ा कर देगी। इनको यहीं रोकिए। हाँ जाइए करिश्मा सिंह, अपने तरीके से करिए। हमें उम्मीद है कि आप सही डिसीजन लेंगी और ऐसा कोई काम नहीं करेंगी जिससे इस केस को कोई भी ठेस पहुंचे। कोशिश करेंगे मैडम सर। नहीं 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 नहीं, हमें ये नौटंकी से दूर रखो, हमारे से नहीं होता है ये, कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं चोचलाबाजी में हम। कोई बात नहीं करिश्मा सिंह, आपको वैसे भी ये बचकाने चोचले नहीं करने पड़ेंगे। हम आपको इस प्लान में इंक्लूड नहीं कर सकते। आपने लता के घर वालों को अपनी शक्ल दिखा दी है। बहुत बढ़िया, हमें आज्ञा दीजिए। फिर कहाँ जा रही है? आप अपने तरीके से हैंडल कीजिए मैडम सर, हम अपने तरीके से हैंडल करेंगे। मंजिल दोनों की एक ही है। हाँ लेकिन इतना भरोसा रखिएगा कि हम जो भी करेंगे उस बच्ची के भले के लिए करेंगे। नहीं नहीं मैडम सर, इन्हें कहीं मत जाने दीजिएगा। बाहर जाएंगी ना फिर नया बखेड़ा खड़ा कर देगी। इनको यहीं रोकिए। हाँ जाइए करिश्मा सिंह, अपने तरीके से करिए। हमें उम्मीद है कि आप सही डिसीजन लेंगी और ऐसा कोई काम नहीं करेंगी जिससे इस केस को कोई भी ठेस पहुंचे। कोशिश करेंगे मैडम सर। क्या किया आपने मैडम सर? रिलैक्स पुष्पा जी, तजुर्बा कहता है हमारे कि तिजोरी की हिफाजत का काम अगर चोर को दिया जाए तो वो जान से बढ़कर उसकी हिफाजत करेगा, और हमने वही किया। उनके गुस्से पर भरोसे का अंकुश लगा दिया। लेट्स होप कि काम करे। बाकी फिलहाल लेट्स गेट टू वर्क, काम बहुत ज्यादा है और टाइम बहुत कम। चलिए ये साड़ी देख कैसी है? अच्छी लग, अच्छी है ना? अरे सुनिए सुनिए पुष्पा जी। हाँ हाँ, हमको ना ये वाला मिला, ये हम पे कैसा लग रहा है संतु जी? कुछ भी पहन ले, तेरे चेहरे की लानत तो वैसी रहने वाली। चीता नाम होने से मेंढक चीता नहीं हो जाता। ए बिल्ला, ए सुनो, इधर इधर आओ, सुनो ना बेटा, हमसे ना थोड़ा हद में रहा करो तुम, ना तुम निचोड़ के बर्फ डाल कर सिकंजी बना के पी जाएंगे, डकार पुकार भी लेंगे, बहुत खराब आदमी है हम। बदतमीज, बाप हूँ मैं तेरा, बाप से ऐसे बात करते हो, माफ ही मांगो। ए बिल्लू चुप, चुप। देख रही है पुष्पा जी, देख रही है ना? और तुम चीता, क्या चल रहा है तुम्हारा? क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो तुम दोनों? हम सबको मिलकर मिलकर ये मिशन पूरा करना है ना? प्यार कहीं तो काम तमाम हो जाएगा ना पुष्पा जी? सोचिए ना, सोचिए ना, अगर फेरा से पहले अगर लता कन्फेशन नहीं निकल पाया तो क्या होगा? क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, मतलब फेरे पूरे हो जाएंगे, लता के साथ हमारी शादी हो जाएगी। अरे खड़े खड़े कुंवारे से शादी शुदा हो जाएंगे हम, ना तो फिर हम इधर करेंगे ना उधर करेंगे, फिर हमसे शादी कौन करेगा? किसको देख के बोल रहे हैं? उनको। तो उधर देख के बोलना। अगर यही सवाल हम आपसे करते तो संतु जी? चीते मेरा जवाब तब भी यही होता कि यार ये नाटक चल रही है, सच में तेरी शादी नहीं होने वाली, बेचारी बच्ची है वो लता, ये कोई भी एंगल से उसकी शादी वादी नहीं मानी जा सकती। सच में? अरे तो फिर तो हो गया, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। बस बस थोड़ा कम है। चलो चलो चलो, अपने कपड़े जल्दी जल्दी तय करो, चलो। क्या हो रहा है ये सब? करिश्मा सिंह कौन है ये आदमी? दिखा अपनी शक्ल, दिखा। मैडम सर ये जग गया है, जब शुक्ला वकालत किया करता था तो ये उसको असिस्ट करता था, और ये दोनों मिलके वो काला धंधा किया करते थे। फिर एक दिन शुक्ला इसको केस में फंसा के यहाँ से फरार हो गया, और तब से ये शुक्ला का बन गया दुश्मन और लेना चाहता है उससे बदला। बोल बता। जी शुक्ला का तो मैं दुश्मन हूँ, लेकिन आप लोगों से दोस्ती करके मुझे क्या मिलेगा? अम्मा तुम्हारी मैया थी गंगा मैया, जितना मिला उतना काफी नहीं है क्या? जो कुछ जानते हो ना शुक्ला के बारे में सब बको। मैडम जी वो शुक्ला जिन नाबालिग लड़कियों की शादी करवाता है ना, उन्हें लीगली बालिग दिखाने के लिए जाली सर्टिफिकेट बनवाता है। उसके असिस्टेंट को मैं अच्छे से जानता हूँ। आगे बोल। उसी ने मुझे बताया कि पिछले कुछ दिन पहले शुक्ला ने उससे 7 नाबालिग लड़कियों के नकली सर्टिफिकेट बनवाए हैं। अब इसका मतलब तो आप बहुत अच्छे से समझ रही है ना मैडम सर, कल हमें सिर्फ लता को नहीं बल्कि और 7 नाबालिग लड़कियों को बचाना है। नहीं बचा पाएंगे मैडम,
शुक्ला कभी कच्चा खेल नहीं खेलता, वो बहुत शातिर है। अगर उसने इतने बड़े पैमाने पर इतनी सारी लड़कियों की शादी एक साथ कराने का प्लान बनाया है तो उसने बहुत सोच समझ के बनाया होगा। आप नहीं रोक पाएंगे उसे मैडम। रोकेंगे, क्योंकि अब सवाल सिर्फ एक लता का नहीं, कम से कम 7 बच्चियों का है। कल कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हम हारना बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें किसी भी कीमत पर इन शादियों को रोकना होगा। आई होप आप लोग अब तक मिशन का मकसद समझ ही चुके होंगे, जो कि है किसी भी हालत में साबित करना कि लता नाबालिग है और ये शादी अपनी मर्जी से नहीं कर रही। मौका मिलते ही हम लता से बात करेंगे, उसे कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि वो अपना बयान दे दे। लता का स्टेटमेंट मिलते ही हम इस केस से जुड़े हर इंसान को डायरेक्टली और ऑफिशियली गिरफ्तार कर पाएंगे और इस पूरे प्रपंच को खत्म कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? जी मैडम सर। यस। एक बात याद रखिए, जब तक हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते, किसी को भनक भी नहीं पड़नी चाहिए कि हम पुलिस वाले हैं। ओके। किसी भी तरह की कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब करिश्मा मैडम हमारे साथ मिशन पर थोड़ी आ रही है, अब वो ही नहीं है तो फिर कोई गड़बड़ होने की गुंजाइश ही नहीं है। मैडम सर, हम बस ये पूछ रहे थे कि फेरों से पहले लता का कन्फेशन निकल तो जाएगा ना? शायद। अब शायद भी बड़ा खराब सब थे बिल्लू। हाँ। ना ठीक से जीने देता है ना मरने देता है। अब बताओ, फेरों से पहले अगर काम हो गया तो ठीक है, नहीं तो हमारा काम तमाम हो जाएगा। ए चीते, मिशन पर ध्यान दे, कुछ भी करके हमें ये मिशन पूरा करना है। अरे पूरा करना ही पड़ेगा पुष्पा जी, पूरा करना ही पड़ेगा, नहीं तो बिल्कुल करेंगे। हमारी जीत होगी, यलगार हो। हाँ। ओके देन एवरीवन, ऑल द बेस्ट। आइए, आप लोगों का स्वागत है। वाह 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 वाह, क्या लग रहे हो? क्या लग रहा है मतलब? दूल्हा नहीं लग रहा है? अब दूल्हा है तो दूल्हा ही लगोगे ना। वो कहाँ है? अरे शुक्ला जी, यही हमारा समस्त परिवार है संपूर्ण। ये नहीं, वो कमीशन कहाँ है? हाँ पैसा पैसा लाया है ना। अरे पूजनीय माता जी, शुक्ला जी को पैसा दीजिए। हाय दैया, कौन पैसा की बात कर रहा है? हमरा लल्ला भोजपुरी माँ, ये तो वो एक्टिंग की दुकान है। अरे माँ, वो पैसे जो दीदी आपको ये दीदी दी थी ना पैसा मम्मी को। वो पैसा तो हम संतू को दिए रहे। What? हाँ। ओ या, वो मनी मैंने जाजी को दे दिए। डैडी को क्यों दिए? हमारे पास रखवाती। जाजी आप ही तो हैं। जाजी पिताजी बहुत बहुत मजाक करते हैं। मैं ही डैडी, मैं ही पिताजी, इसने मेरे पास दिए थे, वही पैसे मैंने लल्ला को दिए। लल्ला? और फिर ले भी तो लिए। किसने लिए? इन्होंने लिए। पुष्पा, हमने हाय दैया, वो पैसा तो हम थाने में भूल आए। थाना? मजाक मजाक खाने खाने
बावर्ची खाने में भूले हैं। बावर्ची खाने में भूले हो? ठीक है, वहाँ पे किसी को भिजवाओ और मंगवा लो। कितना टाइम लगेगा? वो आने जाने में 2-2.5 घंटे तो लग जाएंगे ना। 2-2.5 घंटे? नहीं नहीं नहीं, 1.5 घंटे में हमें हमारे पैसे मिल जाने चाहिए, वरना शादी कैंसिल। नहीं 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 नहीं, रुकिए रुकिए, एक मिनट, शादी मत रुकवाइए। हम किसी भी तरीके से 1.5 घंटे में पैसे इकट्ठे करके आपको देंगे, तब तक आप रस्म शुरू करवाइए। ठीक है, 1.5 घंटे में हमें पैसे मिल जाने चाहिए, वरना शादी कैंसिल। हाँ, हम करते हैं। हेलो, हाँ, इधर ही सुनो पुष्पा जी, एक काम बोला था आपको, बस एक काम। पड़े रहो एक जगह। एक काम बोला था आपको बस, वो भी नहीं आपसे ठीक से। सुनो, जल्दी पकड़ो कार्ड, ये जाओ ATM और पैसे निकाल कर लाओ। मैडम सर, कार्ड से 1.5 लाख कैश कैसे निकलेगा? उसको 1.5 लाख एडवांस देना है। अच्छा ठीक है, जितना इस कार्ड से निकलता है उतना निकालो, बचे हुए अपने अकाउंट से दो, हम बाद में एडजस्ट कर देंगे। मैडम सर, शेरवानी में पॉकेट सिलवाते बहुत गंदा लगता है, इसीलिए बटुआ थाना में छोड़कर आ गए हम। पुष्पा जी, आप कार्ड निकालिए। अभी साड़ी के साथ कौन पर्स था? गाइस शुक्ला जी, हम अपना बैग नहीं लाए। संतोष, कार्ड दो अपना, जल्दी। हाँ लीजिए मैडम सर, लीजिए मैडम सर। तो कुछ मिलेगा नहीं? वो एक्चुअली सैलरी मिली नहीं है और सेविंग सारी खत्म हो गई है ना, फिलहाल के लिए इट्स नील बटर सन्नाटा। सेम हियर। ओह गॉड, अब क्या करें? मैडम सर, मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ, आप मुझे सिर्फ पिस्तौल दे दो, मैं पास वाले बैंक में जाकर पैसे निकाल के लाता हूँ। ए बिल्ला, बिल्लू तुम चुप रहो अभी। अगर 1.5 घंटे के अंदर हमने पैसे लाकर नहीं दिए तो जितना जो हमने पूरा प्लान बनाया है, जो कुछ भी किया है, वो सब एक मिनट में पूरा पानी हो जाएगा। फोन लगाइए इसको। हेलो। हाँ हेलो, हम बोल रहे हैं। हाँ हम सुन रहे हैं। अच्छा सुनिए ना, यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई है। गड़बड़? अरे गड़बड़ वहाँ कैसे हो सकती है पुष्पा जी, जब हम यहाँ हैं तो गड़बड़ वहाँ कैसे होगी? वो सुनिए ना, वो शुक्ला जी को जो पैसे देने थे ना, वो हम वही थाने में ही भूल आए हैं, चेंजिंग रूम के लॉकर में। हाँ हाँ बढ़िया है सर। अगर 1.5 घंटे के अंदर शुक्ला को वो पैसे नहीं दिए ना, तो वो शादी कैंसिल कर देगा और सारे किए धरे पर पानी फिर जाएगा, हमारा मिशन भी फेल हो जाएगा। हाँ तो बताइए पुष्पा जी, क्या चाहती हैं आप हमसे? आए हैं, बड़ी भोली हैं आप, आपको पता है हम क्या चाहते हैं आपसे? नहीं हम जानते हैं, लेकिन हम आपके मुंह से सुनना चाहते कि आप हमसे क्या चाहते हैं। यही कि की क्या? नहीं साफ साफ बताइए ना, हमको सुनाई नहीं पड़ रहा है पुष्पा जी, की क्या? यही कि आप फटाफट वो पैसे लेकर यहाँ आ जाइए, हम गेट पर आपका इंतजार करेंगे। नहीं वो सब तो ठीक है, लेकिन जाते वक्त आप कह रही थी ना पुष्पा जी कि हम बहुत बड़ा मुसीबत है और मिशन में नहीं है तो कोई मुसीबत नहीं होगी। अब आपको अपनी मुसीबत से बचने के लिए इसी मुसीबत से मदद चाहिए। अरे वो तो बस ऐसे ही फिसल गई थी बात हमारे जुबान से। अच्छा अच्छा अच्छा, वो छोड़ो ना, आप जल्दी लेकर आओ। अच्छा तो आप मान रही है कि आपका गलती था? हाँ मान रही है। ऐसे मान रही है? तो फिर कैसे? अब वो भी हम बताएं आपको? सॉरी। क्या? अच्छा बाबा सॉरी। क्या क्या सुनाई नहीं आया हमें, क्या बोली आप? अच्छा बाबा सॉरी। ठीक है, अब पड़ गई कलेजी में ठंडक। अच्छा अच्छा, बोल दिए हैं आप हमें सॉरी। हाँ ठीक है, मैडम सर से बोलिए कि हम पैसे लेके पहुंच रहे हैं। हाँ अब घर आइए, देखते हैं। आइए आइए, लड़के के परिवार वाले आ गए हैं, आइए आपकी पहचान करवा देता हूँ। आइए आइए आइए। अरे आप चाचा चाची, आप भी आ जाओ ना। हाँ तो ये है लड़के के पिता मिश्रा जी, ये उनकी माता जी मिसिस मिश्रा, नमस्ते। ये है उनके चाचा राजेश जी, नमस्ते नमस्ते। और ये है लड़की की चाची शर्मिली। ये हमेशा घूंघट में रहती हैं क्या? शर्मिली है इसीलिए हमेशा घूंघट में रहती है, बहुत शर्माती है ना। और ये है लड़के के पिता। नमस्कार। नमस्ते शुक्ला जी। हाँ ये रहा आपका बटुआ।
हे, आपको कहाँ से मिला? यहीं पड़ा मिला। अच्छा, चोर उचक्को से बच के कहीं भी घुस सकते। जी जी बिल्कुल, हम ख्याल रखेंगे। अरे लेकिन आपकी धर्म पत्नी? शादी ही नहीं हुई तो पत्नी कहाँ से आएगी? इनका मतलब है कि शादी की रस्में अभी तक शुरू नहीं हुई है ना, तो वो जैसे ही शुरू हो जाएंगी उसके पहले माँ आ जाएंगी। आ जाएगी। और आप कौन? बड़ी बहन। बड़ी बहन है हमारी, दीदी है जी। और ये छोटी बहन? दोस्त की छोटी बहन आज ही अमेरिका से आई है। या। 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 अरे दोस्त की बहन हो या आपकी बहन हो, एक ही बात है। हम लोग जरा तैयार होकर आते हैं, आप लोग तब तक जलपान वगैरह कीजिए। अरे बिल्कुल, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम हैं ना, सब संभाल लेंगे। शर्मिला बेटा, वहां टैक्सी से कपड़ों वाला बैग लेकर के आओ। क्या बात है, शादी के दिन दुल्हन का इतना उदास चेहरा? माता जी, आपको कोई एतराज ना हो तो लता को हम तैयार कर दें। अब एतराज की क्या बात है, अब तो ये आपकी ही अमानत है। जा बेटा, दीदी के साथ जाओ और तैयार हो जाओ। चलो। चीते, पैसे। अरे का शुक्ला जी, अभी पैसे 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 मरे जा रहे हैं। आ रहे हैं ना आपके पैसे, आ जाएंगे। ठीक है ठीक है, नहीं तो फिर क्या? फिर टीचर ने हमसे दूसरा सवाल किया, पूछा कि नदी के बीच में नींबू का पेड़ है तो नींबू कैसे तोड़ोगे? Damn, it's very difficult. तो हमने कहा चिड़िया बनकर। तो टीचर ने कहा बेवकूफ समझा है क्या, तुमको चिड़िया बनाएगा कौन? तो हमने कहा जिसने नदी के बीच में नींबू का पेड़ लगाया है वो। Oh, now I got it. जो भी हो, पढ़ाई में बहुत अच्छे थे हम। इंटेलिजेंस से याद आया, तुमने 10th में टॉप किया था, नहीं? उम्र क्या है तुम्हारी? 18। 18? 10th के लिए थोड़ी ज्यादा नहीं है? वो 3 बार फेल भी तो हुए थे हम। अच्छा, फेल होने वाली लड़की ने अचानक इस तरह से टॉप कर लिया, वो भी इतने अच्छे मार्क्स के साथ। वो उसके बाद बहुत सारी मेहनत भी तो की थी, राइट? एक बात बताओ लता, तुम्हें नहीं लगता कि तुम शादी के लिए अभी बहुत छोटी हो? कहीं तुम्हारे साथ ये सब जबरदस्ती तो नहीं हो रहा? कोई दबाव, प्रेशर, मजबूरी या और कोई वजह? देखो अगर ऐसा है तो तुम हमें बता सकते हो, हम पूरा साथ देंगे। एक कदम भी आगे बढ़ा मेरा मरा मुंह देखेगी लता, आखिरी बार कह रहा हूं बेटा, चुपचाप जहां हम कहते वहां शादी कर। अगर इस शादी में तुम्हारी मर्जी नहीं है तो फिर? नहीं नहीं, मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं हो रही है, मेरी कोई मजबूरी भी नहीं है, मैं ये शादी खुद के मर्जी से कर रही हूँ। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी ही मर्जी है। पता है हमारी अम्मी भी, हमारी माँ भी जो है बहुत शादी के पीछे पड़ी है हमारे। जब देखो यही बोलती है कि शादी कर लो शादी कर लो। हमने तो उनसे साफ साफ कह दिया है कि पहले कुछ बन जाए, ऐसा कुछ कर लें जिससे हमारे परिवार को हम पे गर्व हो, फिर करेंगे कुछ और। आखिर हमारे भी तो सपने हैं। लता, तुम्हारा क्या सपना है? मेरे कोई सपने नहीं है। ऐसे कैसे, हर किसी का कोई ना कोई सपना तो रहता है ना? नहीं नहीं, मेरे कोई सपने नहीं है, मैं ऐसे ही खुश हूं। लता, तुम्हारे सपनों की चमक तुम्हारी आंखों में साफ दिख रही है, दिख रहा है कि तुम उड़ना चाहती हो, कुछ करना चाहती हो, लेकिन न जाने किन जंजीरों में जकड़ी हो। तोड़ दो ये जंजीरें, अपनी आंखें बंद करो और सोचो, सोचो एक बार आंखें बंद करके
और ध्यान से सुनो कि तुम्हारा दिल क्या कहता है। सोचो कि तुम आजाद हो, खुले आसमान में उड़ रही हो, जो करना चाहती हो, जहां जाना चाहती हो, जैसी जिंदगी जीना चाहती हो जी रही हो, वो सब कुछ कर रही हो जो करना चाहती हो। कोई मजबूरी नहीं, कोई दबाव नहीं, किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं, अपनी मर्जी से जी रही हो। आइए। कितनी देर कर दी आने में? इतनी देर का बिल्कुल टाइम पे आए हैं हम पुष्पा जी। अच्छा अच्छा, दीजिए पैसे, ये लीजिए। और ये सब क्या है? क्या आप लड़के की माँ बनी है या फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जा रही जो इतना लाउड मेकअप कर कर आई है? और ये पिंक लिपस्टिक कहाँ लगाई है आप? अभी हो गया ना आपका काम, दे दिए ना पैसे, अभी जाइए। अच्छा पुष्पा जी, काम निकला तो सुर बदला। हाँ, सुंदरता की पहचानी कहाँ है आपको? पुष्पा जी, पुष्पा जी, क्या हुआ? छुपी 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 कहाँ, क्या हुआ? अरे हम इसको देखे तो छुपी, आप छुपी, हम किसको क्या, छुपी छुपी आप छुपी 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 क्या हुआ? अरे ये वही है, हम जब गए थे ना लता के घर में तो हमने देखा नहीं था पर देखा था। हैं? हाँ। क्या कह रही हैं आप? देखा नहीं था पर देखा था? अगर देखा नहीं था तो देखा कैसे था? और अगर देखा था तो देखा नहीं था कैसे? मतलब ऐसे शक्ल नहीं देखा था पर हमने देखा था, अब समझ नहीं रही है। अच्छा, मतलब हम ही समझ नहीं रहे हैं। अरे आपको कैसे पता घूंघट के पीछे वही है? क्योंकि पुष्पा जी वो ऐसा एक्शन करती है और हमने देखा उसने भी ऐसा एक्शन किया, एकदम ऐसा। ऐसा? ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा करती है, ऐसे करके ऐसे करती है वो। ऐसा? अरे हम भी पागल ही हैं। शर्त ये बता रहे हैं कि ये वही है, अगर इसने हमको देख लिया ना पुष्पा जी तो बवाल हो जाएगा साथ में। तो आपको क्या जरूरत थी उनके घर जाने की? मैडम सर ने मना किया था ना आपको? मतलब हम हसीना मैडम के परमिशन का वेट करें फिर जाए, हमसे नहीं, हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। SHO है वो हमारी, सुनना पड़ेगा आपको। लेकिन हमारे अंदर नहीं है इतना पेशेंस। अरे वो आपका पेशेंस ना हमको पेशेंट बना देगा। अम्मा तुम्हारी मैया की गंगा मैया, चाहती हो? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? पढ़ो और अपने सारे सपने पूरे करो। मगर हर किसी के सपने पूरे हो वो भी तो जरूरी नहीं है ना लता। सपने अपने आप पूरे नहीं होते, उन्हें पूरा करना पड़ता है, मेहनत से, लगन से, पैशन से। तजुर्बा कहता है हमारा कि जिंदगी एको साउंड की तरह होती है, हम जिस ढंग से उससे सवाल करते हैं ठीक उसी ढंग से हमें जवाब मिलते हैं। लता, अगर तुम एक बार ठान लो कि तुम ये शादी नहीं करना चाहती हो, पढ़ना चाहते हो, अपनी जिंदगी जीना चाहती हो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। पैसे? अरे क्या यार शुक्ला जी, आप भी एक लड्डू के लिए पैसे पैसे करते रहते हो। लड्डू के पैसे नहीं भैया, हमारे कमीशन वाले पैसे कहाँ हैं? कमीशन वाले? हाँ। वो आ रहे हैं ना। कब आ रहे हैं? जब कनाथ वाले ये सारी दरी बरी उठा के लेके जाएंगे तब। देखिए देखिए, हमारी मम्मी आ गई पैसे लेकर। देखिए देखिए देखिए, अरे बाप रे, भागती हुई तुम्हारी मम्मी कितनी भयानक लग रही है। शुक्ला जी क्या कर रहे हैं? शुक्ला जी शुक्ला जी,
ई लियो तो हर पैसा गिन लियो बा। हाँ गिन लेंगे ना, अब खा 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 खा। लेकिन आप इतनी हाफ क्यों रही है? हाय दया, आप का बताएं हम आपको, इतना सारा पैसा एक तो एटीएम में थोड़ी ना मिलता है। एक एटीएम से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से ऐसा भागम दौड़ी कर करके ना हमारी तो सांस फूल गई। अब का बताएं हम आपको। हम बिल्कुल समझ गए थे, इसका इलाज है हमारे पास। वेटर यहाँ आवा, मैडम को ठंडा पानी पिलाओ। हमको ठंडा शरबत चाहिए बा। ठीक है पिलाते हैं, वेटर मैडम के लिए शरबत लेके आओ। अरे हमारा फोन बज गया। हेलो, अरे हाँ हाँ आ रहे ना अभी आ रहे। हाँ अरे पुष्पा जी क्या हो गया? अरे कहा बताए हम क्या बताए तुमको? का एक बार बस एक बार ठान लो, हम हैं तुम्हारे साथ। हम लड़के की बहन हैं, हम ये शादी रुकवा सकते हैं। बस तुम ये तय करो कि तुम करना क्या चाहती हो। वैसे आप रहते कहाँ हैं? हवालात में है? डैडी का कहने का मीनिंग है कि अपनी वाइफ के साथ रहना कोई हवालात से कम तो नहीं है। सही है, काफी मजाकिया आदमी है आप दोनों, काफी मजाकिया। वो अंकल आपने अभी तक ड्रेस चेंज नहीं किया? अरे डॉटर्स वेडिंग गो फास्ट, गेट रेडी। हाँ बस शर्मिला बाहर से आई रही कपड़े लेकर के। कपड़े नहीं तो चेंज कहाँ से होगा? अरे शर्मिला आ गई, कहाँ रह गई थी तुम, इतना देर कर दिया। अरे वाह कपड़े चेंज कर दिए, वेरी गुड। ऐसा करो ये लो मेहमानों का ख्याल करो, मैं कपड़े बदल के आता हूँ। आ जाओ। वाह तुम्हारा नाम क्या है शर्मिला? जाओ लड़के वालों के लिए शरबत लेकर आओ। बदतमीज, लड़के वालों को ना शादी कैंसिल करवा देंगे। जाओ हम कहते हैं लड़के वालों के लिए जल्द से जल्द शरबत लेकर आओ। ऑर्डर अपनी मैया को देना जाके। करिश्मा मैडम आप देखो लता, तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, ना तुम्हारी शादी ना किसी और की। हम तुम्हें गारंटी देते हैं, हम हैं तुम्हारे साथ। तुम बस तय करो कि तुम करना क्या चाहती हो। एक कदम भी आगे बढ़ा मेरा मरा मुंह देखेगी लता। थैंक यू दीदी मेरे लिए इतना सोचने के लिए, बट मुझे अपने माँ बाप के बारे में भी सोचना होगा। आप जानते नहीं है अगर मैंने ये शादी नहीं की तो पापा जान दे बैठेंगे। कैसे होने दे सकती हूँ मैं ऐसा? क्या लगता है आपको कि मैडम सर लता को समझाने में कामयाब हो पाएंगे? 2000% समझाने में मैडम सर का कोई जवाब नहीं, वो लता का ब्रेन वॉश करने में जरूर कामयाब होंगी। ठीक है। ओ नहीं हम क्वांक मार रही है संतु जी, बता तुझे आंख मार रही हूँ मैं? हाँ मेरी सीधी आंख फड़क रही है, मतलब पक्का कोई गड़बड़ होने वाली है। नहीं नहीं संतु जी ऐसे मत बोलिए। अटक रहा है पुष्पा जी, क्या ठीक से साड़ी बांधने भी नहीं सिखाई ना आपकी माँ ने? ऐसे बांधते हैं साड़ी? ये क्या है पूरी वर्दी दिख रही है अंदर की, 2 मिनट में पकड़े जाएंगे हम। 5 फुट 5 इंच की गाड़ी में ना आप साड़ी पहन के दिखाइए, हम आपको मान जाएंगे पुष्पा जी, साड़ी पहनने और लपेटने में क्या फर्क होता है। हाँ ठीक है अंदर चलिए, हम ठीक कर देते हैं। चलिए इधर आइए, यहाँ कुछ अटक रहा है। हाँ ठीक है आइए आइए। अरे हाँ ये क्या है ये? गोटीचे हमारा गला, ऐसे घोटते हैं गला, ऐसे नहीं घोटते। हाँ अब ठीक लग रहा है। कुछ ठीक नहीं है यहाँ, वो देखो। अरे मगर ये छूट कैसे गई? अपनी टी से बांधा ही नहीं होगा इसको पुष्पा जी। हाँ हाँ इसमें भी हमारी गलती है। तो किसका गलती है? अभी हमको कोसना बंद करो और सोचो करे क्या, किसी ने उसको देख लिया ना तो क्या करे? गए हम फिर। चीते, 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 चीते। अरे इस ससुर हवेली में नेटवर्क का बड़ा प्रॉब्लम है।
चीते, मैंने कहा था ना तुझे कुछ गड़बड़ होगी, देख ले। अरे ये ससुरा नेटवर्क नहीं मिल रहा हमको, कहाँ है शुक्ला जी? हाँ शुक्ला जी, अरे शुक्ला जी, शुक्ला जी इधर, क्या डेकोरेशन करवाए हैं आप? वेरी बैड, बताइए। अरे ऐसा लग रहा है जैसे कि गुड्डा गुड़िया का शादी हो रहा है, बिल्कुल सीरियस लग रहा है। इतना लड़का लड़की वाला लोग से इतना ज्यादा पैसा लेते हैं आप, थोड़ा सा डेकोरेशन पे खर्चा कर देते। पुष्पा जी अगर हाथ ढंग से बांधे होते तो पैर नहीं खोल पाती। अरे क्या पता इसने पहले पैर खोले होंगे जो आपने बांधे थे। कुछ भी सीरियस नहीं हो रहा है यहाँ पर। नहीं तो क्या? पापा गुस्सा नहीं, आपका बीपी हाई हो जाता है आराम से। डैडी टेक अ डीप ब्रेथ। छोड़ो। हाँ अरे शुक्ला जी आपने शमिला को देखा क्या? अरे नहीं देखा ना। आप लोगों ने देखा मेरी बहू को? ना 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 ना। फिर तो बाहर से मुझे ही जाके सामान लाना पड़ेगा। अरे कैसा डेकोरेशन हुआ है? कैसा शुक्ला जी? अरे एक मिनट। अरे शर्मिला बेटा तुम कहाँ गायब हो जाती हो? अरे बाहर से बाकी बैग भी लेकर के आओ, मंडप में जरूरत पड़ेगी, जल्दी लेके आओ। ऐसा नहीं है कि वो हमसे प्यार नहीं करते, 10वीं तक पढ़ाया बस आगे पढ़ाने की ताकत नहीं है, और ऊपर से समाज का प्रेशर कि लड़की की शादी करवानी होती है, कैसे बनते हम डॉक्टर ऐसे? और अगर मेरी शादी करने से मेरे माँ बाप को खुशी मिलती है तो मैं ये शादी करूंगी। किसी एक के तो सपने पूरे हो। लता तुम ये सब क्या कह रही हो? देखो ये सब गलत। बस मुझे और कुछ नहीं सुनना है, मैं ये फैसला ले चुकी हूँ, मैं ये शादी करूंगी। रिलैक्स, तुम बात समझने की कोशिश करो। लता चलो बेटा, पंडित जी बुला रहे, चलो चलो लगन का समय हो रहा है, आ जाओ। क्या 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 मैडम, क्या बोल रही है मैडम सर? मतलब लता कन्फेशन के लिए नहीं मानी, अब कन्फेशन नहीं करे? अरे लग गई लंका, अब क्या होगा, क्या होगा? पर क्या होगा, क्या होगा, क्या शादी होगी और क्या होगा? ए बिल्ला सकल अच्छी नहीं, कम से कम बात तो अच्छी कर लिया करो, हमेशा सकल से मिलती जुलती बात करना जरूरी है क्या? चीते मैंने कहा था ना तुझसे, मेरी आँख फड़क रही है, कुछ गड़बड़ होगी, देख हो गई ना। संतू जी एक तो पहले ही से आपकी आँख कातिल, कितने लोग को मरवाइएगा, हम भी मर जाएंगे। ए चीते चुप कर, अभी पहले हमें ये तय करना है कि आप करना क्या है हमें। अरे चतुर्वेदी फैमिली अरे ये सारा परिवार यहाँ पे क्या कर रहा है? अरे कोना क्यों पकड़ा है? अरे इतनी बड़ी हवेली है, वहाँ पे आ जाओ। अरे काहे तुम कब आओगे मंडप में है? दूसरे जोड़े की शादी हो जाएगी, उनके बच्चे हो जाएंगे, उनकी नामकरण विधि हो जाएगी, तब आओगे। आप जाइए, हम बस आई रहे। तो जल्दी आ जाइए वरना पंडित और मुहूर्त दोनों निकल जाएंगे। हाँ हाँ आवत है, आवत है। हाँ तो आवो ना, जल्दी आवत है। कौन बात कर? ओके देखो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम सॉरी चीता, लेकिन हमें रस्मों को कंटिन्यू रखना पड़ेगा वरना शुक्ला को शक हो जाएगा हम पर। अब बिल्लू और संतोष आप लोग चीता को लेकर मंडप पर जाइए जल्दी। मैडम सर सुनिए, फिर उससे पहले ना सब कुछ रोक दीजिएगा प्लीज, नहीं तो लता से हमारी शादी हो गई ना मैडम सर, बहुत पाप लगेगा। अरे कैसा पुलिस वाला है, फर्ज के लिए एक शादी नहीं कर सकता? अरे एक ही तो शादी होनी है ना बिल्लू, वही दांव पे लगी हुई है फर्ज के लिए, फर्ज याद दिला रहे हो यार। चाहिए ये बातें रास्ते में कर लेना चाहिए, जल्दी 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 जल्दी। पुष्पा जी बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी अगर हमने फेरे शुरू होने से पहले सबूत इकट्ठा नहीं किया, तो हम किसी भी लड़की की जान नहीं बचा पाएंगे। तो आप क्या करें? लता ना सही और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनकी यहाँ पर आज शादी होने वाली है, अगर हम उनमें से किसी एक को पकड़े, अगर किसी एक का भी स्टेटमेंट मिल जाए, कोई बोल दे कि वो नाबालिग है और ये शादी अपनी मर्जी से नहीं कर रही है, तब हम ऑफिशियली कुछ कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें पहले लड़कियों तक पहुंचना पड़ेगा। मगर कैसे, उन लड़कियों को तो हम जानते भी नहीं है, और जब तक हम उनको ढूंढ कर उनके पास पहुंचे यहाँ चीते के फेरे भी हो जाएंगे। सच बताए ना तो अभी हमें करिश्मा सिंह की बहुत याद आ रही है, अगर वो होती ना तो। करिश्मा सिंह रिपोर्टिंग मैडम।
खाल से नाखून अलग कैसे रह सकता है? वैसे कुछ हमारा रिश्ता है हमारी ड्यूटी से। पता था हमारा जरूरत जरूर पड़ेगा। बताइए क्या करना मैडम सर। ओम पवित्र पवित्र वा सर्वावस्था गतो विवा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा। देसी घी के लड्डू हैं। दे चुरा ले चुरा ले। जाकर क्या फटाफट। ए, क्या करके आए हम? अरे लोगी है ना, जा फटाफट करके आप पीछे से राइट। मोरिंग नुबलू, कुछ नहीं लगी हमको। हाँ तो ऐसा प्रेशर वाला मुंह क्यों बना के रखा है? जल रहा है बिल्लू, हमारा दिल जल रहा है। और कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि इसके लिए सहरा पहनने का सपना देखे थे, वो खुद हमको सहरा पहना गया। तंतु जी आप ऐसे एक बार झूठी बोल दीजिए ना कि हमको ऐसे शादी करता हुआ देख के आपको बहुत दुख हो रहा है। नहीं हो रहा है। उन लड़कियों के लिए दुख हो रहा है जिन्हें बचाने हम यहाँ आए। और तू जितने ड्यूटी पर है ना, काम पर ध्यान देना। फिर क्या? इतर देख सहरा कैसे पहनाऊंगी मैं? अरे नहीं नहीं। हाँ क्या हुआ? मेरी सीधी आंख फड़क रही है। फिर से फड़क रही है। बिल्लू कहाँ से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है ना? हमें पता था ये शुक्ला जैसे जो लोग होते हैं ना, सांप होते हैं। सांप के कान में बीप नहीं बजाया जाता जज्बातों का, उनके कान में बजाया जाता है जोर से। आप लोड क्यों ले रही है मैडम सर, हमें परमिशन दीजिए। ऐसा मार लगाएंगे ना कि जो कुछ है ना ऐसा उगल के बाहर फेंक देगा वो। और जैसा स्टेटमेंट आप चाहेंगी ना मैडम सर, बिल्कुल वैसा स्टेटमेंट देगा। और कोर्ट में जाकर उस स्टेटमेंट से मुकर जाएगा और आराम से छूट जाएगा। करिश्मा सिंह, हमें चाहिए प्रूफ जिसे शुक्ला कभी भी झुठला नहीं पाए। और आपको क्या लगता है, शुक्ला खुद एक लॉयर है, उसे ये कानून की दाव पेच नहीं बताओगे? इसीलिए हमें चाहिए कोई पुख्ता सबूत। हेलो हेलो हेलो। हाँ ठीक है, अब नेटवर्क बराबर मिल रहा है। हाँ बोलो। हाँ और एक घंटा लगेगा। अरे का है भैया, कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने जा रही है क्या वहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, फटाफट लड़कियों को तैयार करो, आधे घंटे में मुझे सारी लड़कियां यहाँ मंडप में चाहिए, ठीक है? हाँ। आजा आजा। शुक्ला की बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि वो सारी लड़कियां यहीं आसपास के किसी ब्यूटी पार्लर में तैयार हो रही हैं। इसका मतलब हमारे पास कुल मिला के सिर्फ 20 मिनट है उन लड़कियों को ढूंढने के लिए और उनसे स्टेटमेंट निकलवाने के लिए। और अगर 20 मिनट में हम ये नहीं कर पाए ना पुष्पा जी, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमें जो कुछ भी करना होगा उन लड़कियों के यहाँ पहुंचने से पहले करना होगा। एक आइडिया है मैडम सर, क्यों ना हम शुक्ला से उसका फोन हथिया ले। हाँ तो हमको पता चल जाएगा ना वो लड़कियाँ कहाँ हैं। ये सब 20 मिनट में हो जाएगा? पुष्पा जी आप सोचती भी है जब ये सब आइडिया आपके दिमाग में आता है या फिर ऐसी उड़ेल डालती है? दिमाग किसके पास नहीं है सबको पता है। ज्यादा बड़बड़ाइए मत, कितनी बार बोला हमसे साफ साफ बात। हाँ तो आप भी नाम को मत सुनाइए। चुप हो जाइए, शांत हो जाइए। एक प्लान है हमारे दिमाग में, अब हमारी बात ध्यान से सुनिए। यहाँ आइए। क्लियर क्लियर? हाँ एकदम। चलो लेट्स गो। अरे बहू तुम यहाँ हो? तुम्हें मैं कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ। पंडित जी मंडप में बुला रहे हैं, जल्दी चलो जल्दी। बच्चे का शादी है ना तो भावुक हो रही। हाँ। तो मन भरा है ना, तो इसलिए हम समझा रही को। हम समझा दिए हैं, कोनो दिक्कत नहीं। हाय दया, आपको तो पंडित जी बुलावत है। भौरिया जा जा आ जाओ। जाइए जाइए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। मैडम सर जल्दी कुछ कीजिए वरना बेचारी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बिल्ले कुछ कर दे यार, प्लीज कुछ कर दे यार, दो मिनट में शादी हो जाएगी, हम बच जाते हैं, प्लीज शादी रुकवा दे। बिल्ले सॉरी 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 प्लीज कुछ। मेरा फायदा क्या तेरा? बिल्लू निमास तेरा। हाँ हम सारे पुलिस वाले तेरे से पूछेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्लू निवास मेरा। ठीक है तेरा। देख तो एक काम कर। हाँ बोल। बेहोश हो जाओ, मैं फैल जाऊंगा, दूल्हा बेहोश, शादी कैंसिल। कर ली बिल्लू? पक्का बेहोश। दू दू दू। कुछ नहीं करेगा, चुप बैठ। एक मिनट कर ले बिल्लू। बिल्लू नहीं नहीं इधर नहीं। भैया
दूल्हा बेहोश। अरे दूल्हा बेहोश हो गया। दूल्हा तो बेहोश हो गया, क्या करे? क्या करे? शादी कैंसल, कैंसल शादी। जी मैडम जी, काम हो जाए। शुक्रिया। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस! क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? दूल्हा बेहोश हो गया, शादी कैंसल, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस। बेहोश। अरे हो जाता है ऐसे शादी ब्याह में। एक काम करो, तुम जूता निकालो। ओके। जल्दी जल्दी चीते के पप्पा। ये आ गया जूता। अब गिनकर इसके गाल पर 10 जूते मारो। मारना है या सुंगाना है? सुंगाना नहीं है, मारना है, मारना। 10 बार कस के मारो, जमा जमा के मारो, पीट पीट के मारो, उठ जाएगा वो। हाय दया, आप हमारे लल्लो को जूता मारेंगे? पुष्पे, होश में लाने के लिए। हमसे तो ना ही देखा जाएगा। अच्छा लग रहा है हमको, अचानक से अच्छा लगने लगा हमको। हाय दया, हमारा लल्ला तो होश में आ गया। हमारा लल्ला होश में आएगा वा, हमारा लल्ला होश में आएगा वा। शादी कंटिन्यू कंटिन्यू, जल्दी करो, रसम शुरू करो, यहाँ पे और एक शादी करवानी हमें। जगह का फोन। हाँ बोल, फोन क्यों किया? गुरु दक्षिणा देने के लिए फोन किया आपको। बहुत कुछ सीखा है आपसे, सोचा एक छोटा सा एहसान आप पे भी कर दूं। पुलिस की रेड पड़ने वाली है आपकी शादी पे। एक भी लड़की ने मुंह खोला ना तो लंबे नप जाओगे पुलिस के सामने। पुलिस वहां कभी भी पहुंचती होगी। और हाँ शुक्ला जी, एक चीज का ख्याल रखिएगा, आप खुद वहां रहिएगा, नहीं तो मामला बिगड़ भी सकता है। हाँ ठीक है, फोन रख। ठीक चलिए फेरों के लिए खड़े हो जाइए आप लोग। नहीं नहीं नहीं, फेरे नहीं हो सकते। क्यों क्यों नहीं हो सकते फेरे? अब वो ना आंटी जी, वो हमारे यहाँ रिवाज है कि दूल्हे के डैडी दूल्हे को स्वर्गवासी रिश्तेदारों के नाम पे 1-1 रैप्टा झापड़ 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 मारेंगे ताकि पापा को प्रायश्चित हो जाए, राइट? और फिर वर और वधु को स्वर्गवासी रिश्तेदारों का ब्लेसिंग्स मिले। ऐसा रीति रिवाज तो पहली बार देख रहा हूँ। पंडित जी, रिवाज है तो है, जो भी करना है जल्दी कीजिए। यस यस, क्विकली क्विकली, कम ऑन। रिवाज का आगाज हो, उठो बेटे उठो। सॉरी चीते, कुछ और नहीं सूझा। आपके सूझने के चक्कर में हमारी गाल सूझ जाएगी, उसका क्या? चीते सद्दू जी, बेटा खुले में आ, पर्दा हटा हटा जल्दी, रिवाज है ये स्वर्गवासी माता जी के लिए।
हाँ नमस्ते नमस्ते, बैठे 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 बैठे। अभी तक कोई रेड नहीं हुई है, पर हो सकता है पुलिस आती ही होगी। ये देहरादून की चाची की चचेरे मामा की फूफा की चौथी बेटी के पति महेश चट्टोपाध्याय के लिए। रुकिए। ये सब के सब पुलिस वाले हैं।